सिटी मोबाइल पर कोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेंट 10% डिस्काउंट के साथ, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। मेडिकल कॉलेजों में एसडीएम स्तर के अधिकारी को बतौर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और सीनियर जूनियर व इंटर्न डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीएमसी गेट के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। एमटीए अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जैन ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर को डीन के ऊपर बैठाने जा रहा है, लेकिन उन्हें बता दें कि ये शिक्षा संस्थान है, यहाँ राजस्व की वसूली नहीं होती है। हमें डिप्टी कलेक्टर की जरूरत नहीं है, इन लोगों को सहेज कर रखें, शिक्षा और शोध के मामलों में दखल अंदाजी ना करें। देश में कई प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा और शोध में इस प्रकार के प्रयोग ना किए जाएं। हमें एडीएम स्तर के प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत नहीं है। देखिए, एक अभी सरकार का आदेश आया है कि डिप्टी कलेक्टर को डीन के ऊपर बैठाया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा संस्थान है, क्योंकि और हमारा उद्देश्य राजस्व की वसूली करना नहीं होता है, और ना ये पटवारी और तहसीलदारों का कॉलेज और स्कूल है, ये शिक्षा संस्थान है। हम यहाँ डिग्री अवार्ड करते हैं, लोगों को जिंदा करने का और जिंदा रखने का हुनर सिखाते हैं, तो हमें पटवारी तहसीलदार और इनकी डिप्टी कलेक्टरों की जरूरत नहीं है। जो शासन ये जबरदस्ती डिप्टी कलेक्टर हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो शासन को हमारा कहना है कि अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज्य प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को खुद सहेज के रखें, शिक्षा और शोध के मामले में दखलंदाजी ना करें। तो भाई साहब, ये मुल्क वैसे ही बहुत बर्बाद हालत में है, एक तिहाई आबादी के पास खाने को नहीं है और एक चौथाई आबादी को हगने जगह नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद भी इसमें इस मुल्क में बहुत प्रयोग हो चुके हैं, तो कम से कम चिकित्सा शिक्षा या इन जनरल शिक्षा या शोध में किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये अधिकारी मूलतः रेवेन्यू कलेक्ट करने की महारत रहती है इनकी। भगवान जाने इनको ऐसा क्या सिखा दिया जाता है कि ये एक दिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, दूसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी बन जाते हैं और तीसरे दिन फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो हमें और चिकित्सा शिक्षा को और मेडिकल कॉलेज को इनकी बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शासन का ये डिप्टी कलेक्टर थोपने का जो विचार है उसको हम सिरे से खारिज करते हैं और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये मध्य प्रदेश लेवल पे है आंदोलन और आईएमए का भी हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। बेसिकली ये जो क्या है कि हर जगह ये रेवेन्यू के अफसरों को घुसाने की जो ये प्रवृत्ति कुछ सालों में आ गई है ना, तो वो समाज के लिए बड़ी नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो ये दिस इज टेक्निकल फील्ड, यहाँ आपको स्किल्ड आदमी की जरूरत है और आप यहाँ स्किल्ड आदमी तैयार करते हो, ठीक है ना। हमें फाइल आगे बढ़ाना या भवन निर्माण नहीं करवाना है, हमें अगली पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी की समाज के लिए चिकित्सक तैयार करके देना है। सिटी मोबाइल पर कोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेंट 10% डिस्काउंट के साथ, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं, अब घर बैठे बजाज से फाइनेंस कराएं या नया कार्ड बनवाएं, फ्री होम डिलीवरी मात्र 15 मिनट में। बजाज से मोबाइल फाइनेंस कराने या नया कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9165560862 9301624667। हमारा पता है परकोटा गौहाट सागर मध्य प्रदेश।